एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉग्स बनाया करूँ ऐसे और आप सबके साथ लेके आया करूँ। तो आज है, अभी तो रात हो गई, तो अभी डिनर का समय है। तो आज डिनर में है ये, तो ये है प्रवेश की थाली, जो कि आप देख सकते हैं चिकन है क्योंकि वो अपने राइट पे हैं। और ये है मेरी थाली, जो कि दो टाइप की सब्जियाँ हैं, दो चपाती सैलेड और ये जो है ये छाछ बनाई है मैंने। और प्रवेश जो कैमरे के पीछे, आप बताने ये छाछ कैसी है, ठीक है? टेस्ट तो करके बताऊंगा। लेट्स गो, आ जाओ खाना खाते हैं। लकी भाई अभी नहा रहे हैं तो उनके लिए अंडे होने को रख दिए हैं बॉयल होने को, और बाकी खाना तो है ही, तो वो नहा के थोड़ा लेट खाते हैं तो हम लोग थोड़ा जल्दी खा लेते हैं क्योंकि सुबह जिम जाना होता है, तो थोड़ा डाइजेशन में हेल्प करता है जल्दी खाना। तो यस, हम दोनों यहाँ खा लेंगे, वो अभी बाद में खाएंगे। तो आओ खाओ, पहले ये बताओ कि ये छाछ कैसी है, पी के बताना। बहुत तीखी तो नहीं है? एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ है, ठीक है, उस जगह को लिटल एक कर दिया, एक आइलैंड टाइप का उसको लॉक कर दिया, उसको बाहर छोड़ जा पाए। अपने ब्लड सैंपल लेता है, उनको लगाता है, उसे पकड़ता है, उनको तब तक हो नहीं पाया सक्सेस। कई कुछ आप ये बताओ, सब हॉलीवुड मूवीज में वैक्सीन ही बनाते रहते हैं। देखो ना, अब देखो, अब क्या हुआ कि बीच में किसी ट्रैप लगाया था, ठीक है, तो ये फंस गया और शाम होने वाली है। बेटा मुझे लीची ला के दे दोगे फ्रिज से? नहीं नहीं, मैंने कितने बार प्रोटीन मंगाया। कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन क्या होता है? लीची क्या होती है? पता नहीं क्या होती है लीची। क्या होती है ना, अब कल से पता चलेगा जब नहीं मिलेगी। मस्त थी आज टिफिन में। आप मुझसे मार खाओगे, मार खाओगे, मार खाओगे, मार खाओगे, मार खाओगे। गाइस बहुत भरी दोपहर है, जिम से हो गए फ्री, अब जा रहे हैं घर और हालत है बहुत ख़राब। चलो धूप बहुत है। ओए गर्मी से बचाओ। गाइस हम आ गए थे जिम से, मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि काफ़ी वो है। तो मैं आने के बाद ना, एक्चुअली मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो अभी मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया। लकी भाई जा चुके हैं और प्रवेश अभी नहा रहे हैं और मेरा पूरा काम डन है। तो आज मेरी छुट्टी है, तो मैं सोच रही थी कि एक्चुअली अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रख लेती हूँ क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही मैं ये सब कर पाती हूँ और सब्जियाँ वगैरह कट करके रख लेती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही थी। मुझे ना बाकियों को नहीं पता, बट मुझे ना ऐसे बड़ी बड़ी वो लहसुन की ना कलियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि जल्दी इजीली वो हो जाती हैं, छिल जाती है, क्योंकि छोटी छोटी वालों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बड़ी वाली में ना बहुत इजी रहता है, पकड़ में भी अच्छे से आ जाती है और हाथ में चिपकती भी नहीं है। तो मैं मोस्टली, इवन दुकान वाले भैया को भी अब पता है कि मैं बड़ी लहसुन ही लूँगी, तो अगर छोटी भी होती है उनके पास तो बड़ी वाली अलग से निकाल के मुझे देते हैं। ये मेरा शेक है। जाओ, मैं काम ही करूंगा। काम काम ही करना, कल कर लेना। काम कर लेना, ठीक है? काम कर लेना। आज के दिन रेस्ट करो पूरा दिन, ना? टाइम निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे क्या हो गया, टाइम निकल गया काम करते करते। देखो मैं आपसे कितना लंबा हूँ। आप जाओ मेरी हाइट पे, सोचो मैं इतनी तो आप कैसे देखती हूँ। मुझे दर्द होती है ना, यहाँ पे दर्द होती है, दर्द होती है, यहाँ किसको देख के बात करूं? आप घंटी हो, पता आपको। टिंगू आप।
बाय बाय। जा चुके हैं ऑफिस और अब मैं अपना काम करूंगी। जैसे कि इन्होंने बोला काम मत करो, आज छुट्टी है तो आराम करो, तो बस मैं थोड़ा बहुत काम करके आराम करूंगी। और ये सभी के लिए इतना ही। एसी देखो इन्होंने खुली छोड़ दी। हेलो, तो जैसे कि आपने देखा था कि प्रवेश चले गए थे और उसके बाद मैं सो गई थी। और आज काफ़ी अच्छा लगा इतनी देर तक खुद के साथ टाइम बिता के, सो के बिना टेंशन लिए कुछ भी, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ काम है, ये है वो है, बट आज छुट्टी वाला दिन जो होता है ना, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले सकूँ। और जिम की वजह से ना बॉडी में पेन भी बहुत ज़्यादा है, तो रिकवर हो सके बॉडी, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब हो गई शाम और मैंने अभी अपने लिए बनाया था मैंगो शेक और मैंने वो पी भी लिया और मैं ब्लॉग करना भूल गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ, तो अब मैं खाना बना लूँगी। क्योंकि वैसे तो शाम को मैंने ड्यूटी लगाई होती है, प्रवेश और लकी भाई के डे डिवाइड किए मैंने कि रात का खाना आप बनाओ, क्योंकि मोस्टली मेरी रात को क्लासेस होती हैं 10 बजे तक, कभी कभी 10:30 बजे तक, कभी कभी 9 बजे तक, तो लेट हो जाता है डिनर के लिए, तो मैंने उनकी ड्यूटी लगा दी है। बट आज छुट्टी थी, मैं घर पर हूँ, तो मैं सोचा चलो मैं ही बना लेती हूँ, क्या ही करूँगी। तो अभी मैंने अपने लौकी बनानी है, क्योंकि चिकन तो रात को प्रवेश खाते हैं चिकन, और उनके लिए चिकन ही बनेगा, तो वो तो माइक्रोवेव में हो जाता है जल्दी से, बट मैं बनाऊंगी लौकी और चपाती। तो चलिए आपके साथ मेरे साथ बनाए, मैं दिखाती हूँ कि लौकी कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुकर में लौकी बनाना पसंद करते हैं, बट मैं स्पेशली कुकर में लौकी बनाना पसंद नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपनी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ लौकी की, और चलिए लेट्स गो। मैं इसमें रखती है, मैं इसको घिया को धुल लूँगी और इसी के साथ साथ में हम मसाले की तैयारी करेंगे, जिसमें मैं प्याज काटूंगी, मिर्च काटूंगी, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने 3 मिर्च ली हुई हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और मिर्च ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया सरसों का तेल। आप देखिए बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी लौकी है, 2 लोग के लिए ही बना रही हूँ और मैं ज़्यादा तेल प्रेफर भी नहीं करती। मोस्टली कोशिश करती हूँ कि तेल कम ही हो, और सरसों के तेल और घी से ही खाना बनाती हूँ, मैं रिफाइंड तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और एक्चुअल में जो स्वाद और जो हेल्दीनेस सरसों के तेल और घी में होती है, वो रिफाइंड में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज एंड देन चिली एंड देन थोड़ा सा जो पेस्ट मैंने सुबह बनाया था अदरक लहसुन का वो, और उसके बाद मैं थोड़े से मसाले डाल के लौकी ऐड कर दूँगी। आप लोग को दिखाऊँगी तो आपको आइडिया होगा। पहले ऐड किया जीरा, मेरे को ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। इसमें प्याज, और प्याज को हम ऐसे होने देंगे थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगा ऑटोमेटिकली प्याज। इसमें हम चिली ऐड करेंगे अब, और अगेन धीरे आँच नहीं रखना खाना। और मैं यहाँ पे ये पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे जल्दी जल्दी से मिक्स कर दूँगी। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे ये ब्राउन हो गया है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा गरम मसाला और खूब सारा धनिया पाउडर। मेरे को धनिया पाउडर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और खड़ा धनिया भी। और हल्की सी मैं यहाँ पे देखिए एकदम चुटकू भर लाल मिर्च, और थोड़ा सा मसाला, दैट्स इट। अब ये इतनों से मसाले को हम जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे, और इन पे ना मैं हल्का सा घी भी ऐड करती हूँ। ये देखिए हल्का सा घी ऐड है इसमें, और ये तो ये देखिए हमारा बन गया है घिया, हो गया है रेडी।
और अभी ये सब कर मैं लेके आई थी, इसको धुल के अच्छे से रख दूंगी सूखने के लिए, ताकि स्टोर करके फ्रिज में रख सकूँ, जिसमें नींबू ये मिर्च है सब कुछ। तो मिर्च ना मैं पहले ही ये ऐसे काट के धुल के रख लेती हूँ, ताकि बनाते वक्त तक कभी धुलना ना पड़े, गीले ना हो हाथ। तो या काम हो गया, डन है एवरीबॉडी। अब मैं जाती हूँ, नहा लेती हूँ, मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है। अब मैं नहा के पूजा करूँगी, मतलब शाम की आरती करूँगी, और फिर प्रवेश आएंगे तो हम लोग शायद मम्मी के यहाँ भी जा सकते हैं। तो तो गाइज मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, पूजा वूजा कर लिया था, घर पे वीडियो कॉल करी सबसे, और अब प्रवेश भी आ चुके हैं और खाना खाने का समय। तो बस अभी ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो सामान वगैरह आ गया है, तो अब मैं जल्दी जल्दी से खाना खा देती हूँ। प्रवेश का खाना हो भी गया है, सो या The next morning. क्या हो गया? जिम हो गया ख़त्म, और अब घर में निकलेंगे, खाने वाने की तैयारी करेंगे, घर का पूरा काम ख़त्म करेंगे। आप देखिए लास्ट लास्ट में प्रवेश की एक्सरसाइज चली, लेग डे वाले दिन हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं घर, मैंने तो चेंज भी कर लिया है, और प्रवेश को आप देख सकते हैं नंग धड़ंग। आप क्यों कपड़े उतार के रहते हो पूरे दिन? ये शेक बनाएंगे यहाँ पे, और मैंने देखे यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी भी कर ली है। मेरी क्लास हो गई ख़त्म, और अब मैं लाइक दोपहर की क्लास ख़त्म हो गई, अभी शाम की क्लास है, तो मैं क्लास लूँगी 9 बजे तक। तो अभी के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, डेली रूटीन आपको देखने को मिला होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कैप्चर कर पाती हूँ, क्योंकि जब काम कर रही होती हूँ तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता, और टाइम भी नहीं होता कि कैसे क्या कैप्चर करूँ। बट कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बना सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कुछ नया व्लॉग लेके आए, क्या करें, वो ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।